देखो अच्छे, हमारे पास एक डिवाइस होता है वेंचुरी मीटर, जो कि बर्नौलिस थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। तो हम इसे बर्नौलिस थ्योरम के अंडर ही पढ़ते हैं। ये जो डिवाइस होता है, इसका काम होता है वॉल्यूम फ्लो रेट मेज़र करना। मान लो हमारे पास कोई एक पाइप है ऐसा, अगर हम इससे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालें तो हम इसे कट करके, इसको बीच से काट करके इसमें वेंचुरी मीटर फिट कर देंगे, जैसे मैंने अभी फिगर में कर दिया। ये वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस होता है जिसकी थोड़ी शेप अजीब सी होती है। जैसे मान लो ऐसा पाइप आ रहा है, ये अभी थोड़ा सा कन्वर्जिंग हो जाएगा, फिर डाइवर्जिंग हो जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। इसमें हमें ये ट्यूब्स दे रखी होती हैं जिस ट्यूब में फ्लूड राइज कर सके, इस ट्यूब में फ्लूड राइज कर सके। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब क्या होता है, बच्चे कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये चक्कर क्या है, इसके बारे में ट्यूब का क्या कारण है। अच्छा बच्चे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो एक पाइप है, इसमें फ्लूड फ्लो हो रहा है, अगर इसमें ट्यूब दे रखी है जो ओपन है, तो इसमें कुछ पानी चढ़ जाएगा। कोई बच्चा बताएगा क्यों चढ़ जाएगा पानी जब इसमें फ्लूड? देखो अच्छे, घरों में अगर पंप पानी लिफ्ट नहीं कर पाता है तो हम क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं, किस क्या नहीं आ रहा है? अगर पानी ऊपर लिफ्ट नहीं हो पा रहा तो क्या कहते हैं, किसकी कमी है? प्रेशर। प्रेशर आपने एक टर्म यूज़ किया, कहते प्रेशर नहीं आ रहा यार, प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। प्रेशर, प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, इस फ्लूड में अगर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी जितनी, उतना पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। हम जब कोई पंप खरीदते हैं तो दुकानदार जो पंप वाला भैया होता है वो कहता है, भैया कितने मंजिल तक आपको पानी चाहिए? पहले मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, समझ रहे हो बच्चे? टंकी कहाँ लगी हुई है आपने, कहाँ लगाई हुई है भाई? पाँचवीं मंजिल पर लगाई हुई है, जहाँ कहाँ लगवाई है, टंकी कहाँ लगी आपकी? तो चक्कर क्या होता है बच्चे, जितना ज़्यादा प्रेशर एनर्जी होगी उतना इस ट्यूब में फ्लूड ज़्यादा राइज करेगा। समझ रहे बच्चे मेरी बात? नहीं समझे? प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर कहते हैं ना, कई बार प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा, फ्लूड प्रेशर नहीं आ रहा, कई बार कहते बहुत प्रेशर से आ रहा था भाई पानी, आज बहुत प्रेशर से आ रहा था बहुत। तो ऐसे यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो ये जो फ्लूड यहाँ फ्लो कर रहा है और इस कॉलम में फ्लूड राइज करने का कारण है प्रेशर। क्या कारण है बच्चों? प्रेशर। प्रेशर की वजह से फ्लूड राइज कर रहा है। अब देखो अच्छा, यहाँ पर ये जो डिवाइस है वेंचुरी मीटर, ये वॉल्यूम फ्लो रेट बताता है। हम यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे ए और एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे बी। एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे ए, इधर एक के ले लेंगे बी। यहाँ पर हम बर्नौलिस थ्योरम लगाएंगे और बर्नौलिस थ्योरम के बेसिस पे हम कंजर्वेशन एनर्जी लगा करके वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करेंगे। तो बट इसको बताने के लिए हम कुछ स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं बच्चे। मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है वी ए, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है वी बी। ए पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, कैपिटल ए। बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए। कुछ हमने अजम्पशंस मान लिए, जैसे ए मान लिया, ये मान लिया, मान लेते हैं ये कुछ हाइट तक है, ये भी कुछ हाइट तक है, इनमें कुछ हाइट डिफरेंस है, इसमें कॉलम और इसमें कॉलम का कुछ हाइट डिफरेंस है, एच है। अब मेरा कुछ क्वेश्चंस आपसे है, कोई बच्चा बताएगा कि वी ए ज़्यादा होगा, वी बी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ए पॉइंट पे ज़्यादा होगी फ्लूड की या बी पॉइंट पे ज़्यादा होगी, और होगी तो क्यों होगी? शाबाश बच्चे, वेरी गुड। क्यों, वाई? शाबाश। देखो अच्छे, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हम कहेंगे वी भी क्या है, ज़्यादा है वी ए से, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है अच्छे। अब हाइट ए और बी की क्या है, सेम है। देखो हाइट ए और बी की सेम है। देखो अगर वी भी ज़्यादा है वी ए से, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट की ज़्यादा क्या होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी।
लिख सकते हैं, कोई डाउट किसी को बोलो। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी क्योंकि हाइट दोनों की सेम है। अब बात करते हैं प्रेशर की, ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है या बी पॉइंट पे ज़्यादा है, कैसे बता सकते हो? थोड़ा इलेबोरेट करो, किस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है? शाबाश बच्ची, कैसे इलेबोरेट करोगे इसको बताओ? ये बच्ची कह रही है ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है बी से, किस तरीके से इलेबोरेट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। शाबाश। देखो बच्ची, एक तो इस बच्ची ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, कहा कि देखो सर दो पॉइंट ए और बी, पोटेंशियल दोनों पे सेम है, काइनेटिक यहाँ ज़्यादा है, काइनेटिक यहाँ कम है। अगर काइनेटिक यहाँ कम है तो ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए बी के कंपेरिजन में। अच्छा, अब कोई और बच्चा आंसर दे, क्या ये हमको दिख रहा है इस फिगर में, दिख रहा है कि ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है? क्या प्रैक्टिकली कुछ फिगर वाइज दिख रहा है कि ज़्यादा है ए पॉइंट पे प्रेशर? दिख रहा है तो किस बिहाफ पर, कैसे दिख रहा है हमको? नैतिक बच्चे, दिख रहा है नहीं दिख रहा? फिगर के हिसाब से देखो, क्या दिख रहा है क्या ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है किसी तरीके से? मुझे तो दिख रहा है। देखो अच्छे, इसमें ट्यूब पे फ्लूड का लेवल ज़्यादा है, इसमें ट्यूब पे फ्लूड का लेवल कम है। मैंने आपको बताया था कि ट्यूब ट्यूब में पानी जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना पानी ज़्यादा उठता है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्यूब दिखा रही है कि प्रेशर ए पे ज़्यादा है, जो कि हमने यहाँ समझा। तो समझ में आ गया आप लोगों को डिटेल में? भाई हम कहते हैं प्रेशर ए पे ज़्यादा है बी से, ट्यूब दिखा तो रही है, ट्यूब से पता चला इस पर ज़्यादा राइज हो रहा है, इस पर कम राइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ काइनेटिक ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ काइनेटिक कम है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक एनर्जी ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। तो ये अब एक काम करते हैं बच्चे, हम बर्नौली थ्योरम लगाते हैं ए एंड बी पे, करें बच्चे अप्लाइंग बर्नौलीस थ्योरम। ठीक है, तो कौन कौन सी एनर्जी लें बच्चे? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बी पे भी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कोई सी वैल्यू कट सकती है डायरेक्टली, हटा दे, डायरेक्टली हटा सकते हैं कोई सी वैल्यू को? कोई बच्चा बताएगा, एडवाइस दे, क्या किसी वैल्यू को डायरेक्ट हटा सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को हटा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल सेम हाइट पे, हम पोटेंशियल को हटा देते हैं। ठीक है अच्छा, ये आ गया। अब एक काम करते हैं बच्चे, इसको ना थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, प्रेशर प्रेशर वाले को एक साथ कर लेते हैं और काइनेटिक काइनेटिक को एक साथ कर लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्या क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर प्रेशर को एक साथ किया तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा अगर प्रेशर प्रेशर को एक साथ किया तो क्या होगा बताओ बच्चे? क्या प्रेशर प्रेशर को एक साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? पी बी को पी ए के पास भेज दो, उसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा बच्चे पी ए माइनस पी बी, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। प्रेशर प्रेशर एक साथ और दूसरा दूसरा एक साथ, काइनेटिक एनर्जी एक साथ। ठीक है अच्छे, तो प्रेशर प्रेशर एक साथ हो गया, काइनेटिक काइनेटिक एक साथ हो गया। अब देखो अच्छे, पी ए बी पी बी क्या है? ये है प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। अब देखो अच्छा, एक खास बात ये होती है, ये जो पी और पी वी का प्रेशर डिफरेंस है ये हमको कॉलम के वजह से मिल जाता है। देखो अच्छा, यहाँ पे फ्लूड कॉलम कहाँ तक राइज किया? यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो जी एच होता है, बताया था नहीं बताया था बच्चों? बोलो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। तो यहाँ क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है रो जी एच, एच हाइट होता है। बट यहाँ पर इन कॉलम की मदद से भी हमको प्रेशर डिफरेंस पता चल जाता है, जैसे ये कॉलम इस हाइट तक राइज किया है, ये कॉलम इस हाइट तक राइज किया है, हम दोनों इनका डिफरेंस मेजर कर लेंगे कि क्या डिफरेंस है इनका। ठीक है बच्चों, अब इनका डिफरेंस कितना आ गया, मान लो एच आ गया, तो इन दोनों कॉलम का जो हाइट डिफरेंस अगर एच आ गया तो इनका जो प्रेशर डिफरेंस भी होगा वो रो जी एच ही होगा। कैसे होगा बच्चे? कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट अभी हम फिलहाल इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से बताऊं बच्चों, बोलो।
बोलो बच्चों, यहां पर भी दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो जी एच होता है, बट एच कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलो यहां एच कैसे निकालते हैं, यहां हम कॉलम की हाइट का डिफरेंस निकालते हैं, इसका कॉलम इसका, ये एच ये होता है, ठीक है बच्चों बोलो। अब ये प्रेशर डिफरेंस इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, डेल्टा पी इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, रो जी एच, डेल्टा पी क्या होता है, रो जी एच होता है। एक काम करते हैं बच्चे, हाफ रो को कॉमन ले लेते हैं, हाफ और रो को क्या आ जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चे, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है पूरी पूरी, म्यूट कर लो बच्चे, म्यूट कर लो। तो देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। जैसे इस पाइप से वॉल्यूम फ्लो हो रही है तो वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगा, अगर यहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट निकालें, यहाँ का एरिया कितना है, कैपिटल है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, वी है। अगर यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट निकालें तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना है यहाँ का, हमने यहाँ का एरिया लिया है स्मॉल ए, और वेलोसिटी कितनी है, वी भी। अब आप कहोगे सर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहता है पाइप में, बिल्कुल किसी एक पाइप में वॉल्यूम फ्लो रेट ओवरऑल सेम रहता है, हर पॉइंट का वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगा, क्योंकि जितनी वॉल्यूम आएगी उतनी वॉल्यूम जाएगी, तो वॉल्यूम फ्लो रेट तो हमेशा सेम ही रहेगा पाइप का थ्रू आउट। अब एक काम करते हैं बच्चे, अगर मान लो मेरे को वी यहाँ, इसको मैं नीचे ले आऊँ, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना बच्चे, अगर इसको नीचे ले आऊँ या फिर इसको नीचे ले आऊँ, वी वी बी की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ से, अगर इसको नीचे ले आऊँ वी क्या आ जाएगा बोलो, वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू बाई कैपिटल है, और अगर इसको नीचे ले आऊँ क्यू के, इसको नीचे ले आऊँ तो वी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू बाय स्मॉल ए, क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू यहाँ पे क्या है, वॉट इज क्यू, हम क्यू, क्यू क्या होता है बच्चे बोला, क्यू होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट को आमतौर पे क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, आप और से भी कर सकते हो। तो बच्चे एक काम करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यूज है यहाँ पुट कर देते हैं, रो जी एच आ गया, हाफ रो आ गया, रो से रो कैंसिल कर देंगे, तो वी बी का स्क्वायर, वी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, रो से रो काट दो। अब सिंप्लीफाई करके क्यू की वैल्यू बताओ, चलिए चलो बच्चे बताओ जल्दी से, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई करके करो जल्दी से, बताओ क्यू क्या आएगा। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो टू को ऊपर ले आएंगे, हो जाएगा टू जी एच, क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ये वन बाय ए स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको जगह चाहिए। अब देखो बच्चे, टू जी एच हो गया इक्वल टू क्यू स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, उसको इधर मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इसको इधर ले आएंगे उठा के, क्यों निकालना है ना, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू जी एच, ये क्यू का स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर चाहिए, क्यू चाहिए बोलो, हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, दोनों साइड क्या कर लें, रूट ले लें, टेकिंग रूट बोथ साइड, क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट टू जी एच, बोलो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा बोलो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा ये तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट टू जी एच, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें पता होती हैं, देखो बच्चे हम आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें क्या क्या है और क्या क्या हमको पता होता है। ए कैपिटल ए यहाँ का एरिया है, स्मॉल ए यहाँ का एरिया है, ये हमको पता नहीं, हमारे वेंचुरीमीटर पर लिखा लिखा ही आता है, आप अगर कोई बाजार से वेंचुरीमीटर खरीद के लेके आओ तो उसमें वो जब बनाया जाता है तो कैपिटल ए और स्मॉल ए तभी लिखा हुआ होता है उसके ऊपर,
तो हमको निकालना निकालना नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर कैपिटल स्मॉल है निकालना है, भाई आप एंचोरीमीटर डिवाइस खरीद के लाए हो, खरीदा हुआ डिवाइस है, जैसे डिज़ाइन के वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करते हैं, बताया ना बच्चे में कैपिटल ए और स्मॉल ए तो हमको लिखा हुआ होगा। हमको बेसिकली मेजर क्या करना होता है वेंचुरीमीटर में, जब हमको कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ मिलता है हमें फिर करना क्या है वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने के लिए करना क्या है, हमारा मेन काम क्या है इसमें, कौन सी हाइट बच्चे, हमारा मेन काम है हाइट निकालना, किसकी, हमारा मेन काम है टैप ऑन करके या पाइप से फ्लो कराना, और फ्लो कराने के बाद क्या देखना कि हाइट का डिफरेंस कितना है, एच कितना है, फिर एच की वैल्यू किसमें पुट करना, इसमें, क्योंकि बच्चे एच की ही वैल्यू मेनली चेंज होती है, बाकी सारी वैल्यू फिक्स्ड है। कैसी है बच्चे, फिक्स्ड है, क्योंकि जो वेंचुरीमीटर आप लेके आए हो, क्योंकि उसकी उसकी वैल्यू तो आपको लिखी हुई मिलेगी पहले से ही, हमको सिर्फ क्या मेज़र करना होता है हाइट, ये जो हाइट है ये मेज़र करनी होती है, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। देखो बच्चों, हमने आपको वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला बताया था, ये होता है एक्चुअली, इस फॉर्मूले को ना हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। हमने बताया था बच्चों जैसे दो पॉइंट है ए और बी, तो इनमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है हम उसको डेल्टा पी लेते हैं। डेल्टा पी क्या होता है, रो जी एच, स्मॉल एच ले लो या कैपिटल ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चे, तो जी एच को हम क्या लिख सकते हैं, जी एच को लिख सकते हैं डेल्टा पी बाय रो। तो जी एच की जगह हम डेल्टा पी बाय रो लिख देते हैं यहाँ पर, जी एच की जगह अगर मैं जी एच की जगह डेल्टा पी बाय रो लिख दूंगा तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए रूट टू डेल्टा पी रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है बच्चों बता देते हैं। जैसे मान लो किसी वेंचुरीमीटर से हमको वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना हो, तो यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट ये है, ये ए कैपिटल ए बड़ा एरिया, स्मॉल ए छोटा एरिया यहाँ का थर्ड का एरिया, डेल्टा पी मतलब इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर डिफरेंस, रो मतलब जो फ्लूड है फ्लो कर रहा है पाइप से, कैपिटल ए यहाँ का एरिया, स्मॉल ए इसका एरिया, इससे हम निकाल सकते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है कि मैंने ये क्यों दिया है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का, उसमें दिया है कि डॉग है उसको एनेस्थीसिया दिया गया, उसका ब्लड फ्लो कर रहा है वेंचुरीमीटर से, तो प्रेशर ड्रॉप आर्टरी के क्रॉस मतलब इन दोनों पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस है 24 पास्कल है, स्पीड ऑफ ब्लड क्या होगा, कितनी स्पीड से ब्लड फ्लो हो रहा होगा। अब आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये तो फॉर्मूला वॉल्यूम फ्लो रेट का है, स्पीड कैसे आई। देखो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, ये ध्यान रखना हमेशा, तो इससे भी हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको अप्लाई करो और आगे सिंप्लीफाई करो। देखो बच्चों हमको यहाँ पर मोस्टली चीजें दे रखी हैं, तो हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे जल्दी से जल्दी। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर ये वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो पूछा है। तो देखो बच्चे क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो हमें यहाँ पर ये एरिया ऑफ आर्टरी हो गया और ये फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी हो गया, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू इसके इक्वेट करा दें कि ए टू बी इक्वल टू ए ए टू डेल्टा पी रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल ए से कैपिटल ए काट देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब क्या है बच्चों वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम ऐसा यूनिट का ध्यान रखेंगे, ऐसा यूनिट का ध्यान जैसे कैसे बताओ, ऐसा यूनिट का ध्यान जैसे स्मॉल एरिया है ए है तो उसकी जगह ये पुट करेंगे, बट इसको ध्यान रखना ये एमएम स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे बोलो, कोई बच्चा बताएगा 4 × 10⁻⁴ क्या लिखूं बताओ, एमएम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कितना क्या हो जाएगा, एमएम स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में लिख, ठीक है 2 की जगह 2 आ जाएगा, डेल्टा पी कितना है, प्रेशर डिफरेंस कितना है 24 पास्कल, ये 24 आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ ब्लड दे रखा है हमको, ब्लड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के आसपास क्यों है बच्चे बता सकते हो, ब्लड वाटर की डेंसिटी में इतनी होती है बताओ क्या कारण, ब्लड की डेंसिटी वाटर के आसपास नहीं है क्यों, ब्लड की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी आसपास क्यों है, चलो बच्चे आप बताना यार छोड़ो,
आपको बताना अच्छी बायोलॉजी अगर पढ़ी हुई, कैपिटल ए स्मॉल ए पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेना। ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए आपको।